पंडित जी। हाँ बेटा, ये दूध कौन सा चढ़ाना है? नहीं सॉरी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब मम्मी करती है और अभी तक वो पहुंची नहीं है। बेटा गौ माता का दूध कुलदेवी माँ को चढ़ाया जाता है, वो भी एकदम ताजा। पंडित जी तो वो आजू-बाजू ये आसपास के बाजार में मिल जाएगा ना? हाँ हाँ बेटा, आजकल तो सब कुछ बाजार में मिल जाता है, या तो लोग फोन करके ही मंगा लेते हैं। वो जमाना कहाँ रहा, आजकल जब से ये फोन का नेटवर्क अच्छा हुआ है ना, तब से भगवान से कनेक्शन ही खराब हो गया है। एक समय था जब जोड़े पैदल ही तबेले तक जाते थे और वहां से गौ माँ का दूध लगाकर कुलदेवी माँ को चढ़ाते थे, आजकल तो सब कुछ शॉर्टकट हो गया है। नहीं नहीं पंडित जी, कुलदेवी की पूजा में हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम ताजा दूध ही ले आएंगे। लेकिन बेटी गौ माता का दूध अपने हाथों से दुहा जाता है, इतनी मेहनत कर लोगी ना? अगर साथ देने वाला साथ होगा तो क्यों नहीं पंडित जी? आजकल आप जैसी जोड़ी कहाँ देखने को मिलती है। खुश रहो बेटी। हाँ तो क्या कह रहे थे कि शय क्या नया ड्रामा है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन ले चुका हूँ, अपनी मर्जी से मैं खुश हूँ उस डिसीजन से। तो तुम जितनी कोशिश करना है कर लो, मेरे इस डिसीजन को नहीं बदल पाओगी। इस डिसीजन में तुम्हारी कितनी मर्जी है वो साफ दिख रहा है इसमें। अब बताओ क्या ड्रामा है ये कैसे आया तुम्हारे पास? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पेपर में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ के सुनाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।